नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। पता है आपको कि लालू यादव आजकल ज्यादा ही सक्रिय हो गए हैं और हर रोज ट्वीट करके बीजेपी पर, नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं। हर रोज उनका एक ट्वीट आ रहा है और कभी चुनावी नारे गढ़ रहे हैं तो कभी नीतीश कुमार को धूल चटा देने की चेतावनी दे रहे हैं। अब लालू यादव पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि हेमंत सरकार जेल से रिमोट कंट्रोल के जरिए चल रही है, यानी लालू यादव रिम्स में बीमारी का बहाना बनाकर रह रहे हैं। इलाज करवाने के बहाने वो रिम्स से ही सरकार को ऑपरेट कर रहे हैं, सरकार को चला रहे हैं। दरअसल ये आरोप बीजेपी ने इस आधार पर लगाया है कि लालू यादव से लगातार लोग मिल रहे हैं। लालू यादव चारा घोटाले में सजा याफ्ता हैं और बिरसा मुंडा जेल के कैदी हैं, लेकिन लंबी बीमारी है उनको। काफ़ी दिनों से उनका इलाज रांची के रिम्स अस्पताल में चल रहा है। जेल मैनुअल के हिसाब से सप्ताह में एक दिन शनिवार को उनसे 3 लोगों को मिलने की इजाज़त है, जिसमें घर के लोग भी शामिल हैं। लालू यादव केवल 3 लोगों से मिल सकते हैं सप्ताह में एक दिन। तो आज शनिवार का दिन था। आज कई नेता भी लालू यादव से मिलने पहुँचे। कई नेताओं से मिलने के बावजूद लालू यादव और कई लोगों से मिले, और जिस तरह से लालू यादव बरामदे में बैठकर लोगों से मिल रहे हैं और एक साथ आधे दर्जन लोग उनके आसपास खड़े हैं या बैठे हैं, उसको लेकर बीजेपी ने निशाना साधा है और कहा है कि देखिए, हेमंत सरकार के आने के साथ ही लालू यादव फ्री बर्ड हो गए हैं। और बीजेपी के नेताओं ने आरोप लगाया है वीडियो का हवाला देते हुए कि लालू यादव इज अ फ्री जेल बर्ड्स हु इज फ्लाइंग हाई। तो लालू यादव पर आजाद पंछी होने का आरोप लगा दिया है बीजेपी ने। देखिए, ये सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार जेल से चल रही है, तो जेल मैनुअल का स्पष्ट उल्लंघन तो हो गई। आप वीडियो में देख सकते हैं जिस तरीके से लालू यादव से उनके दरबारी मिल रहे हैं और लालू यादव का दरबार सजा हुआ है, जबकि जेल मैनुअल स्पष्ट कहता है कि 2 या 3 लोग एक सप्ताह में मिल सकते हैं, लेकिन इसी वीडियो में 3-4 लोग मिलते दिख रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है, सरकार बनने के बाद मुझे लगता है ये 3रा या 4था वाकया है जब ऐसे वीडियो सामने आए। तो ये स्पष्ट दिखाता है कि हेमंत सोरेन की सरकार पूर्ण तरीके से लालू यादव के कंट्रोल में है, जेल के भीतर से चल रही है, जेल मैनुअल का खुला उल्लंघन हो रहा है और जेल मैनुअल को लागू कराने की जिम्मेवारी इसी सरकार की है। लेकिन जो सरकार खुद लालू यादव के इशारे पर चल रही हो, वो क्या लागू कराएगी? ये पूरे तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का, लॉ एंड ऑर्डर का, जेल मैनुअल का ब्रेकडाउन है। और हम तो मांग करते हैं केंद्र सरकार से कि इस पर अविलंब नोटिस ले। दरअसल लालू यादव इतने हमलावर है क्योंकि ये चुनावी साल है और लालू यादव लगातार ट्वीट के जरिए बीजेपी पर, नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं। ऐसे में बीजेपी भला चुप कैसे रह सकती थी? तो लालू यादव की हर गतिविधि पर बीजेपी की नज़र है और लालू यादव जिस तरह से रांची रिम्स में अपने लोगों से मिल रहे हैं, राजनीतिक दलों के नेताओं से मिल रहे हैं, अपने शुभचिंतकों से मिल रहे हैं, ये बीजेपी को काफ़ी खटक रहा है। लेकिन लालू यादव के समर्थक शुरू से ही सवाल उठाते रहे हैं कि लालू यादव एक राजनीतिक कैदी हैं, बड़े राजनेता हैं और उनके साथ इस तरह का नियम बनाना कि सप्ताह में केवल 3 लोगों से ही मिल सकते हैं और उसमें भी फैमिली के लोग भी शामिल हैं 3 लोगों में, ये जाती है। लालू यादव जैसे बड़े राजनेता को इस तरह की पाबंदी में नहीं रखा जाना चाहिए। तो अब जब से हेमंत की सरकार आई है, यानी महागठबंधन की सरकार बनी है झारखंड में, तब से लालू यादव को थोड़ी आज़ादी मिली है और ये आज़ादी बीजेपी को बिल्कुल नहीं भा रही है। ये तस्वीर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए, क्योंकि इस तस्वीर में आप लालू यादव को देख सकते हैं। वो लालू यादव जो बिहार की जान है, बिहार के हर लोगों के दिल दिमाग में है। तो लालू यादव की ये तस्वीर अच्छी लगे तो इस वीडियो को खूब दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक ये हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।